हाय फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाला हूँ कि मैं अपने वीडियो को कैसे शूट करता हूँ, वीडियो शूट करने के दौरान हमें कौन सी लाइट यूज करता हूँ, इसके बाद हमारा स्टूडियो रूम में कौन कौन सी वस्तु रखी गई है जिसे हम अपने वीडियो को शूट करने के दौरान यूज करते हैं। ये जो आप रूम देख रहे हैं, इस रूम में ही हमारा लाइटिंग है, इसी रूम से हमारा वीडियो को शूट होता है। लाइटिंग है, उसके बाद हमारा स्टूडियो रूम है, उसी में स्टूडियो रूम है, लाइटिंग में है, हमारा स्टूडियो रूम है, उसी से हम अपने वीडियो को शूट करते हैं। जितना भी हमारा चैनल पर वीडियो अपलोड है, इसी स्टूडियो रूम से हम अपने वीडियो को बनाते हैं। इसके बाद चैनल पर हमारा वीडियो अपलोड हुआ है इसी रूम से। इसके बाद जो ये दीवार देख रहे हैं, दीवार पर प्लास्टर भी नहीं किया गया। हमारे स्टूडियो रूम में आइएगा तो यहाँ पर नीचे की तरफ जैसा कि देख सकते हैं प्याज रखा हुआ है। इसके बाद यहाँ पर एक अलमीरा है, इस अलमीरे में यहाँ पर बल्ब रखा हुआ है यहाँ पर। अब इसके बाद जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं वो बल्ब है, हम लोग यहाँ पर भी फिट करके लाइट यहाँ से जनरेट करते हैं। इसके बाद हम अपने वीडियो को शूट करते हैं। अब इसके बाद जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर एक खिड़की है, उधर से हवा भी आता है एंड रोशनी भी आता है साथ साथ। अब इसके बाद जैसा कि आप लोग इस रूम को देख सकते हैं, यहाँ पर प्लास्टर भी इस रूम को नहीं किया गया है। तो आपके मन में ये डाउट होगा कि हम लोग वीडियो कहाँ पर शूट करते हैं। एंड अगर आप चैनल पर हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लास्ट तक जरूर आप इसी वीडियो में बने रहिएगा, तभी आपको पता चल पाएगा कि हम लोग वीडियो कहाँ पर शूट करते हैं और हम वीडियो शूट करते हैं कौन सी लाइट को यूज़ करते हैं जिससे हमारे वीडियो को HD बन पाता है। अब इसके बाद इसके बगल में जैसा कि आप देख सकते हैं ये लाइटिंग है, इसी बगल में हमारा जो है वीडियो शूट होता है। अब जैसा कि इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं ये ओड़ी टांगा हुआ है, उधर से एक रोशनी आता है, उधर से हवा भी आता है पूरब की तरफ से। इस रूम को प्लास्टर नहीं किया गया है। अब इसके बाद नीचे की तरफ यहाँ पर जैसा कि दो ठो संदूक रखा हुआ है, इस संदूक में कृषि के कार्य का सामान रखा हुआ है। इसके बाद यहाँ पर वायर रखा हुआ है, हमारे घर में मोटर है, उस मोटर से हम लोग खेती करते हैं तो ये पावर सप्लाई के लिए वायर रखा हुआ है। अब इसके बाद जैसा कि यहाँ पर एक अलमीरा है, इस अलमीरे में कृषि के कार्य के लिए सामान रखा हुआ है। इसके बाद ऊपर में घड़ा रखा हुआ है। इस रूम का अगर आप कहीं पर भी देखे हुए हैं, प्लास्टर नहीं किया गया, इधर भी एक तार रखा हुआ है, हम लोग ये इस तार को यहाँ पर भी टांग देते हैं। अब जैसा कि ये देख लिए आप, अब इसके बाद यहाँ पर इस रूम को हम ऊपर की तरफ आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। इस रूम में जैसा कि आप लोग पत्थर से ढलाई किया गया है इसको। अब इसके बाद नीचे की तरफ यहाँ पर जैसे कि आपको स्पेस दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर हम लोग कृषि कार्य के लिए जो भी सामान है यहाँ पर रख देते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर भी प्याज रखा हुआ है। अब जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख चुके हैं, अब आपको हम मेन चीज़ ये दिखाना चाहते हैं कि जैसे कि अब हम अपने वीडियो शूट करते हैं तो कौन से लाइट यूज करते हैं। तो सबसे पहले ऊपर की तरफ हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर देखिए एक बास लगा हुआ है, तो बास लगा हुआ है, यहाँ पर हम लोग दो LED ट्यूबलाइट लगाए हुए हैं। अब इसके बाद ये जो ये आपको बल्ब देखने को देख रहे हैं, ये 20 वाट का है, एक 20 वाट का, तो 40 वाट का हो चुका है। अब इसी से हम अपने वीडियो को शूट करते हैं। अब हमारे पास कोई एक्स्ट्रा बल्ब नहीं है जिससे हम अपने वीडियो को शूट करते हैं, इसी दो लाइट से हम अपने वीडियो को शूट कर लेते हैं। और इसके चारों तरफ जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, अब यहाँ पर ये लगा हुआ है, खाली स्पेस है। अब इसके बाद ऊपर से एक ओड़ी डाली टंगा हुआ है, उसके बाद ये नेक्स्ट वाला रूम है, वो रूम अभी आपको अंधेरा दिख रहा हो क्योंकि उस रूम में लाइट नहीं है। इसके बाद जैसा कि आप लोग यहाँ से देख सकते हैं, इस रूम में हमारे स्टूडियो रूम में आने वाला दरवाजा है, यहाँ पर जैसा कि आप लोग यहाँ पर दरवाजा देख सकते हैं और आपको मैट दिखाई दे रहा होगा। इस अगर मैट को आप लोग खरीदना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग वहाँ से जाकर इस मैट को आसानी से खरीद सकते हैं। ये मैट हम अब हमारे रूम जैसा कि प्लास्टर नहीं है, आप लोग जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं प्लास्टर नहीं है। तो हम लोग जब मैट खरीद रहे थे तो हम लोग सोच रहे थे कि हमारा रूम प्लास्टर नहीं है तो क्या जो ये मैट है ये सट पाएगा या नहीं सट पाएगा। तो हम लोग काफ़ी मशक्कत किए, मशक्कत करने के बाद जैसा कि हम लोग देख सकते हैं कि ये मैट हमारा सट चुका है, तो हम फिट भी हो चुका है। हमारा जो स्टूडियो है HD लग रहा है आपको। अगर इसके बाद फैन आप लोग जैसा कि यहाँ पर एक नीचे में देख रहे हैं कि जो हमारा है मैट यहाँ पर घट चुका है, यहाँ पर जैसा कि आप लोग देख सकते हैं दूसरा कलर आपको दिखाई दे रहा होगा। तो हमारे जो गाँव में दुकान है उस दुकान से हमने ग्रीन पेपर मंगाया हुआ है। ग्रीन पेपर मंगाने के बाद यहाँ पर देखिए ग्रीन पेपर है, इसके बाद ये पेपर है, तो ग्रीन पेपर हमारा घट चुका था। तो उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पेपर से यहाँ पर चिपकाए हुए हैं। अब चिपकाने के बाद जस्ट आप लोग इस साइड भी देख लीजिए, इस साइड भी वही कार्यक्रम किया गया है। अब इसके बाद यहाँ पर खाली स्पेस लगा हुआ है, जैसा कि आप लोग यहाँ पर भी देख सकते हैं खाली स्पेस लगा हुआ है। अब आपको हम ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि हम अपने वीडियो जो है कैसे शूट करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर देखिए एक कुर्सी लगा हुआ है। इसके बाद हमारा ट्राइपोड है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं अभी भी ट्राइपोड लगा हुआ है। अब इसके बाद जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं नीचे में ईटा भी रखा हुआ है। अब इसके बाद अभी हमारा भाई आपको बताएगा कि हम लोग वीडियो कैसे शूट करते हैं। जैसा कि अभी आप लोग देख सकते हैं कि अभी जो हमारा भाई है वीडियो शूट कर रहा है, तो वीडियो शूट कर रहा है तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर ट्राइपोड है। ट्राइपोड के ऊपर हमारा यहाँ पर मोबाइल रखा हुआ है, ये हमारा Redmi 4A मोबाइल है।
इसके बाद जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि अभी हमारा जो स्टूडियो का यहाँ पर देख सकते हैं जिससे मार्ट लगा हुआ है, ये मार्ट आपको साइड साइड में कट रहा है। जब आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो ये कटता नहीं, तो हम लोग इसको एडिटिंग के दौरान इसको जूम करके 4 फीट करते हैं स्क्रीन के अनुसार। अब इसके बाद आप लोग हमारा लाइट तो देख लिए हैं कि हम लोग इसी लाइट से अपने वीडियो को शूट करते हैं, हमारे पास कोई एक्स्ट्रा लाइट नहीं है। अब चलिए हम आगे की तरफ आते हैं जहाँ से हम अपने वीडियो को शूट करते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये ऐसे हम लोग वीडियो शूट करते हैं। यह जैसा कि आप लोग हम देख सकते हैं कि जो भाई हमारा कॉलर माइक लगाया हुआ है, इस माइक को आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आसानी से इस माइक को आप लोग खरीद सकते हैं। अब इसके बाद ये ट्राइपॉड पर हम अपने फोन को माउंट कर देते हैं। माउंट कर देने के बाद हम अपने वीडियो को यहाँ से शूट कर देते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आप जैसा कि देख लिए होंगे कि हम अपने वीडियो शूट करने के दौरान कौन से लाइट यूज करते हैं, हमारे पास कौन सा स्मार्टफोन है जिसे हम अपने वीडियो को शूट करते हैं। इसके बाद हमारे वीडियो में जो जो सामग्री यूज होता है वो चीज आपने अच्छे तरीके से देख लिए होंगे। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को भी लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।